हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी। आपने खाई है इतनी लजीज मसालेदार भिंडी? चलिए हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। हमने सबसे पहले उसे वॉश कर लिया और पोंछ कर इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, और हमने प्याज को भी कट करके रख लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल रखेंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम दूसरे मसाले निकाल लेते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें हींग डाल रहे हैं और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इससे स्वाद जो है वो सब्ज़ी का और दुगना बढ़ जाता है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। प्याज डालकर आप इसे अच्छे से पिंक होने तक फ्राई कीजिए। ये देखिए जब तक प्याज पिंक हो रहे थे तब तक हमने टमाटर चॉप कर लिए हैं। अब प्याज हो चुके हैं, अब हम टमाटर डाल रहे हैं। इन्हें आप 2 मिनट के लिए ढककर पकाइए ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। पूरे सॉफ़्ट नहीं करना है हमें, थोड़े से ही सॉफ़्ट करना है इसे। चलिए चेक करते हैं हम इसे। ये देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये देखिए तब तक हमने सूखे मसाले ले लिए हैं। सूखा धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसमें भिंडी डालेंगे। ये देखिए अब हम इसमें भिंडी डालकर अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि मसाले सारे जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसे गलने के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिए एक बार इस तरीके की भिंडी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चों की तो वैसे भी फेवरेट होती है भिंडी की सब्ज़ी। तो यदि हम अलग अलग वैरायटी की बनाएंगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। ये देखिए हम इसे ढककर पका रहे हैं। ये देखिए जब ये इस तरीके से हाफ फ्राई हो जाए उसके बाद आप इसे खुला करके ही पकाइए, इसे ढकना नहीं है, नहीं तो फिर ये लेसदार हो जाएगी और फिर ये जो है बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाएगी। इसलिए हमें इसे अब खोलकर ही फ्राई करना है, अब इसे ढकने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आप मीडियम गैस पर इसे फ्राई होने दीजिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। भिंडी की सब्ज़ी रोटी पराठे या दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए और इसे पर और अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी। देखिए कितनी लाजवाब दिख रही है ना, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।